हेलो गाइस, आज हम देखेंगे सिलेक का TS2M1 टाइमर कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन ऑन करने के लिए एंटर बटन दबाएंगे। एंटर होते ही अपने को यहाँ पे एक टाइम दिखेगा। एक्चुअली वो अपने को सेट करना होगा, तो वो सबसे पहले अपने को टाइम और डेट सेट करने के लिए यहाँ पे घड़ी का सिंबल बना हुआ, तो उसको प्रेस करना होगा। यहाँ पे जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपने को डेट सेट करने के लिए आ जाएगा। देखिए वहाँ पे DT दिख रहा है, वो डेट होता है। इसको अगर आगे पीछे करने के लिए हमें नेविगेशन कीज दी हुई है, ये आगे करने के लिए, ऊपर करने के लिए, नीचे तरफ। आपको करंट डेट सेट करनी होगी, तो आज की करंट डेट मैं सेट कर रहा हूँ। आज की करंट डेट है 18। आगे करेंगे, आपको करंट मंथ मंथ सेट करना पड़ेगा, तो ये दिसंबर मंथ चल रहा है, तो 12 और 2020। अगर इसको फाइनल करने के लिए एंटर दबा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा टाइम सेट करने के लिए। अपने को टाइम 24 आवर्स सिस्टम में सेट करना होगा। तो अभी करंट टाइमिंग अपना है 6:55, तो उसको सेट करने के लिए अपने को जाना होगा 18 18। आगे चलेंगे और इसको 55 कर देंगे, कम कर देंगे। ये अपना टाइम हो गया, इसको भी डन कर देंगे इंटर दबा के। और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा MTWTFSS, ये अपना वीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो वीक का करंट वीक डे होगा वो अपने को सेट करना होगा। तो उसको नेविगेट करने के लिए अपन ऐसे नेविगेट आगे करेंगे तो ये एरो आगे आगे जाएगा। तो आज का करंट डे है फ्राइडे, तो फ्राइडे पे मैं सेट कर देता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। क्लॉक 24 आवर्स में दिखा रहा है, ये क्लॉक प्रोग्रामिंग है। 24 आवर्स में या 12 आवर्स में अपने को सेट करना है। बेसिकली अपना ये सारा टाइमर जो है रेलवे में जा रहा है, तो इसीलिए 24 आवर्स में ही अपन सेट करेंगे। तो इसको एंटर दबा देंगे, तो ये अपना डेट और टाइम सेट हो चुका है। अब अपने को प्रोग्राम करना है इसको बंद चालू होने के लिए। तो प्रोग्राम के लिए PRG, ये शॉर्टकट है प्रोग्राम का, लिखा हुआ PRG, तो ये बटन को अपन दबाएंगे। तो सबसे पहले अपने को दिखेगा PN01, तो अपन इसको एंटर करेंगे। इसमें अपने को दिया हुआ है डे ऑन, और नीचे दिया हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, सब जगह पे अपने को मार्क दिख रहे हैं। तो ये सारे दिन में ऑन होगा। अगर किसी दिन अपने को ऑफ कर रखना है, उस दिन वो प्रोग्राम नहीं चलना है, तो अपन उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अपना सारा दिन ही अपने को वर्क चाहिए, तो इसके लिए ये सारा है ऑन। तो इसको फाइनल करेंगे अपन एंटर दबा के। आगे प्रोग्राम वन दिख रहा है, ST प्रोग्राम वन, स्टेप वन प्रोग्राम वन, इसको सेट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे अभी अपन ऑन दिख रहा है अपने को 01 और टाइम दिख रहा है, तो अपने को कितना बजे ऑन करना है तो वो सेट करना है। तो बेसिक शाम को अपन ऑन करेंगे इसको, तो ये हो गया शाम का। अगर अपने को 6:45 को करना है तो 18:45 करना होगा अपने को यहाँ पे, और इसको ऐसे अपन बढ़ाएंगे आगे। ये हो गया शाम को चालू होने का समय। अब बंद होने का समय अपने को देना होगा, तो अगर 5:30 बजे मुझे बंद करना है तो इसको मैं सेट कर दूंगा 5, और 3, ये हो गया, ये ऑफ का टाइम हो गया। इसको मैंने सेट कर दिया है, सुबह 5:30 बजे बंद हो जाएगा। ओके, दबा देना एंटर। अगर अपने को स्टेप टू दिख रहा है इधर में, स्टेप टू ये होता है कि अगर अपने को एक से ज्यादा बार चालू बंद करना है तो अपन स्टेप टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने को सिर्फ एक ही बार चालू करना है और एक ही बार बंद करना है, इसीलिए अपन स्टेप वन का इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे और एस्केप का बटन दबा देंगे। तो अपना ये प्रोग्राम भी हो गया है और डेट और टाइम भी सेट हो चुका है। थैंक यू।